press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैंने पहले भी कहा, मैं बहुत प्रणाम करना चाहूँगी अपने सभी दर्शकों का। मैं आपके रितु सिंह, और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी हमारे रमा शंकर जी को जो हर साल इस प्रोग्राम को इसका आयोजक है, और हमें भी इस साल बुलाने का, मुझे यहाँ रहने का और आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत थैंक्स बोलूँ उनके। और चंदन जी जो हैं, चंदन जी डायरेक्टर इस मूवी के, एक अभी न्यू उभरते हुए एक बहुत प्यारे से डायरेक्टर हैं, इम्तियाज जी, इन लोगों ने इनके बदौलत मैं यहाँ पर हूँ। एंड थैंक, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं हर साल आना चाहूँगी। क्या कहना चाहेंगे जो आयोजन है उत्तर भारत सबसे बड़ी बात है। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार से आए हैं, हम अपनी माटी के महत्व को यहाँ भी दिखाना चाहते हैं। उसी उपरोक्ष में उसी हिसाब से जो है उत्तर भारतीय संगम काम करता है, लोगों की हर तरह की तकलीफें, इसके बाद सबसे बड़ा मंच हमारा है सांस्कृतिक कार्यक्रम से लोगों को आपस में जोड़ के रखते हैं। आज रितु सिंह जी यहाँ पर आए, मैं दिल की गहराइयों से उनके तमाम साथियों का, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे परिवार के एक सदस्य यहाँ पर आई और रुकती हुई सितारा है। निश्चित मैं उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ, और उत्तर भारतीयों के लिए तो नहीं, पूरे देशवासियों के लिए जहाँ भी जरूरत पड़ी हम लोग जो है यहाँ पर मेहनत करते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं। हमारे तमाम साथी यहाँ पर हैं, आप सभी मेहमानों का, सभी मीडिया वालों का और दर्शकों का मैं दिल की गहराइयों से आज रामनवमी के पावन अवसर पर अभिनंदन करता हूँ। पुनः एक बार नो रितु सिंह जी, उनके समस्त साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। बड़े खुशी की बात है कि हमारे भाई हमारे बीच में रहने वाला, वो बाल्डुक में रहते हैं, हम बिल्कुल बॉर्डर पर मुलुक में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर की दूरी है। हम लोग एक साथ धक्का मुक्की किए हैं, एक साथ खाए पिए हैं, बड़ा मज़ा आया है। और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा साथी इस फिल्म उद्योग से भी जुड़ा है, अच्छा काम कर रहा है। हम कई इवेंट में उनके हम पहुँचे हैं, हमारी बहुत बहुत सहानुभूति उनके ऊपर, और दिल की गहराइयों से फिर मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ, उनको आशीर्वाद भी देता हूँ कि दिन दुगुना रात चौगुना वो बढ़े और जो अपना नाम रोशन करें। चंदन जी की फिल्म आ रही है, हमारा बलम, इसके लिए क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं सभी हमारे साथियों को मैं शुभकामना दूंगा। पिक्चर में बहुत कम देखता हूँ, लेकिन पिक्चर वालों से हमारा बहुत नाता है, और मैं यही चाहूँगा कि उनकी पिक्चर बहुत अच्छी हो, एक अच्छा संदेश जाए, और चंदन जी का नाम हो, उनके तमाम साथियों का नाम हो, साथ में रितु सिंह जी को फिर अगले साल में इसी हाल में उत्तर भारतीय संगम के कार्यक्रम में। एक बात और बता दूँ, हमारे साथी अब्दुल जी खान जी संस्था के महासचिव हैं, उनकी मेहरबानी से यहाँ पर आज रितु जी आई हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और रामलीला हम यहाँ पर 10 दिन कराते हैं हर साल कंटिन्यूस, किसी से पैसा नहीं लिया जाता, बहुत अच्छी रामलीला होती है। आप लोग फिर जब समय मिले तो रामलीला के समय में मैं बुलाऊंगा, आप लोग जरूर आइए। चंदन जी के पिक्चर के लिए बहुत बहुत एडवांस में मुबारकबाद। भैया पिक्चर एक्चुअल में सही में देखा जाए तो मैंने देखा है, बहुत देखा है पिक्चर, लेकिन जितना मज़ा अपने भोजपुरी पिक्चर को देख के आता है, ये कहावत है, माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देवदार, और किसान को अपने लहराते हुए खेत को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद हम उत्तर भारतीयों को, बिहारियों को अपनी भोजपुरी, अपनी माटी के महत्व में देखने में अच्छा लगता है। सबसे पहले तो आज रामनवमी है, तो पूरे देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी का दिन था और साथ में उत्तर भारतीय संगम था, तो यहाँ तो आना ही था, बुलाने पे नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के कि हमारे जहाँ उत्तर भारतीय लोग अपने भाई बहन जैसे हैं, और यहाँ के बिल्कुल अपना जैसा लगता है। ये मेरे साथ मेरी अभिनेत्री हैं रितु सिंह, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है,
अभी रिसेंटली इसकी फिल्म रिलीज हुई रब्बा इश्क ना हुए, जिसमें इनके साथ अरविंद अकेला कल्लू थे को स्टार, और उन्हीं अरविंद अकेला कल्लू को लेके मैंने अभी जस्ट फिल्म बनाई है जिसका नाम है आवारा बलम। इस फिल्म में इसका झगड़ा है कि मुझे रखे नहीं फिल्म में, बट अभी क्या कर सकते हैं, पहली फिल्म भी थी, लेकिन इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट फिल्म कर रहे हैं, हाँ ये तो है, बट अभी जो नेक्स्ट मूवी प्लान कर रहे हैं उसमें मेरे साथ ही को स्टार होगी, उसमें भी अरविंद अकेला कल्लू मेरे साथ में है, और बस यही। हमारा बलम बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है और सॉन्ग है भाई पागल करने वाला, मैंने सुना। लोगों की बहुत तारीफ मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, और वाकई में फिल्म ऐसी फिल्में एक्चुअली बन जाती है, मेरी पहली फिल्म है और मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी बनेगी, 1% डर मुझे भी था, लेकिन जब शूटिंग पे गए सारे लोग मिले तो बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और ये अभी 11 मई को रिलीज हो रही है फिल्म। हमारा बलम के लिए फिर जो है जो हीरो हैं कल्लू जी, उनके लिए कल्लू तो हाँ, आवारा बलम के लिए अभी उससे उसको बोला कि अब दो हीरोइन से नहीं चलेगा, तो उसके लिए मैंने अभी फिल्म बना रहा हूँ कल्लू की दुल्हनिया, जिसमें 7 हीरोइनें उसके साथ होंगी, अरविंद अकेला कल्लू के साथ में, और 7ों के साथ वो धमाल करने वाले हैं। रीतू का दुल्हा भी बनेगा? बिल्कुल। मेरे साथ 6 और दुल्हनिया रहेंगी, मैं हूँ कि नहीं पता नहीं। बिल्कुल। तुम नहीं रहोगे तो शायद फिल्म नहीं बनेगी। थैंक यू सो मच। सो बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट है वो, फिर से मुझे एक बार फिल्मी दुल्हनिया बनने का मौका मिलेगा। हाँ यस। और अभी जो राम जी ने पूछा, रामचंद्र जी ने, मेरे बहुत फेवरेट पीआरओ हैं, और मेरे साथ एक्चुअली एक और हस्ती आए हुए हैं जिनका नाम है इम्तियाज खान जी। ये मेरे अभी नेक्स्ट जो मूवी मैं प्लान कर रहा हूँ घूंघट की आड़ में, और एक और फिल्म है जिसका अभी टाइटल फिक्स नहीं किया हम लोगों ने, तो हम दोनों ये मिलकर प्लान कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहा हूँ उस फिल्म को। इससे पहले इन्होंने दीवाने बनाई थी और उसके पहले पंचायत बनाई थी, दोनों फिल्में बहुत अच्छी रही थी। इस बार मुझे मौका दे रहा है कि नहीं चंदन जी मुझे आपके साथ फिल्म करना है, तो सर आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि एक मैं आपकी फिल्म करूँ। तो आज के ये प्रोग्राम जो आयोजन हुआ इसके बारे में, हम सब बता दिए कि ये सब बता दिए, अब उसमें बचा ही क्या है। थैंक यू सो मच। बस थैंक यू तिवारी जी को, चूँकि रामनवमी कहा जाता है कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान बदल रहा है, कोई हिंदुस्तान नहीं बदल रहा है, हम सब भाई भाई हैं, हम सब भाई भाई हैं, गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको हम लोग मानते हैं, तो देखिए एक हिंदू और एक मुस्लिम साथ में खड़े हैं, यही हिंदुस्तान है बेशक। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर, इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता है, जैसा कि मैं बहुत समय से देखते आ रहा हूँ, जो महक होनी चाहिए। हमारा इतना बड़ा समाज महाराष्ट्र में रहता है, मैं तिवारी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, माननीय रमाशंकर तिवारी जी का, जिन्होंने एक इतना सुंदर संगम का आयोजन किया कि हम सभी लोग आज, हम सब लोगों के बीच में हमारी माटी से आई हुई ऋतु सिंह जी भी हैं, जिन्होंने महसूस किया और देखा कि हम सब लोग कितना एकत्रित होकर के रहते हैं, और ये श्रेय अगर हम किसी को देना चाहते हैं तो माननीय रमाशंकर तिवारी जी को देंगे, जिन्होंने हम सभी लोगों को एकत्रित किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह का आयोजन आप करते रहें, और हम सभी लोग भी आपका जहां ज़रूरत पड़े हम लोग सहयोगी रहें और हम लोगों को भी याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। और मैं, हम लोगों के बीच में ऋतु सिंह जी हैं, जिन्होंने एक बहुत अच्छा समाबाद दिया, बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बोल दिया, मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय दिनेश यादव जी हैं, सुरेश यादव जी, हमारी संस्था भी यादव समाज ट्रस्ट तिवारी जी के बुलावे पर पूरी तरह से आई, मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ माननीय रमाशंकर तिवारी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।